जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है तो आपको गेम, ये यूट्यूब एक गेम है, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया हूँ, तो इस गेम को आपको अच्छे से खेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा इस वीडियो को अच्छे से और समझना पड़ेगा, क्योंकि इस गेम को अगर आप समझे नहीं ना तो आप जीत नहीं सकते। वैसे तो कोई भी गेम अगर आप समझोगे नहीं तो जीत नहीं सकते। टेक चैम्पियन सपोर्ट आज के समय में बहुत तगड़ा, मतलब ग्रो हो रहा है यूट्यूब चैनल उसका। अभी पिछले 2-3 ही महीने में 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स कर लिया, बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। रीज़न क्या है? उसने अपनी वीडियोज़ में दिमाग लगाया, अपने चैनल पर दिमाग लगाया है और ग्रो हुआ है। मैंने अपनी कई वीडियोज़ में आपको बताया हूँ कि यूट्यूब एक राजनीति के जैसा है, मतलब यहाँ पे लोग आते हैं अपने YouTube चैनल पे, भाषण देते हैं और जाते हैं, क्योंकि समझाने वाला बहुत कम यूट्यूबर है कि आपको सिखा रहा है कोई वीडियो ट्यूटोरियल बना के, नहीं, और ऑडियंस देखती भी है तो क्रिएटर्स बना के आपको दिखाते भी हैं। और जैसे राजनीति में होता है ना, उसको गाली दो, उसको गाली दो, उसको गाली दो, यही आजकल YouTube पे हो रहा है। जिस किसी को अगर आप गाली दोगे तो ऑडियंस आपको देखेगी, ऑडियंस को मिर्च मसाला देखना पसंद है और उसके बाद वो चैनल ग्रो हो जाता है। तो टेक चैम्पियन सपोर्ट चाहे एक छोटा क्रिएटर हो उसके पास भी जा रहा है, चाहे एक बड़ा क्रिएटर हो उसके पास भी जा रहा है। अभी कुछ महीनों पहले मेरी इस चैनल पर एक वीडियो वायरल हुई थी बसंत जांगरा के ऊपर, तो मैंने शायद उसी का देख के वीडियो बनाया था, और उसका टेक चैम्पियन सपोर्ट का देख के बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स ने वीडियोज़ बनाए थे, और किसी किसी की वीडियो चली थी, किसी किसी की नहीं चली थी, तो उनमें एक मैं भी था जो मेरी वीडियो चली थी, तो चैनल थोड़ा सा रैंकिंग में आ गया था। और इसका इनिशिएटिव लिया था टेक चैम्पियन सपोर्ट ने, और बहुत ज़्यादा, मतलब जांगरा को बहुत ज़्यादा उसने गालियाँ भी दिया और हेट फैलाया था उस समय पे उसने, हालांकि बोल सही बात रहा था वो भाई। तो कहने का मतलब ये कि जिसको आप गाली दे रहे हो उससे आप मिलने जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप ऑडियंस को ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ना यूट्यूब पे क्या होता है, चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं। आपको दिखाया कुछ जाता है लेकिन होता कुछ है, है ना? जैसे जैसे नहीं, एक नेता, एक भाजपा का नेता हो गया, एक कांग्रेस का नेता हो गया, तो सामने सामने, मतलब हम ऑडियंस के सामने तो वो लोग लड़ते हैं, लेकिन रात में बैठ के वो लोग एक साथ लंच करते हैं, एक साथ डिनर करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक पार्टी में जाते हैं। तो जो आपको दिखाया जाता है कि हम लोग अलग अलग पार्टी के हैं, हम लोग एक दूसरे से अच्छी घृणा करते हैं, लेकिन नहीं, सब मिले हुए हैं दोस्त। आपको ये चीज़ समझना होगा, यूट्यूब पे यही है। आप अब जैसे मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, जैसे अगर मैं किसी को गलत बोलता हूँ ना कभी, तो मेरे को उसके साथ मन नहीं करेगा कभी वीडियो बनाने का। क्यों? क्योंकि ये वही बात होती है कि आप ठूक रहे हो फिर, लेकिन ठीक है, अब जैसा ग्रोथ के लिए थोड़ा बहुत ये सब कर ही सकते हैं और लोग कर रहे हैं। और सबसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, चाणक्य की स्टोरी, हो सकता है आप सुने होंगे। तो चाणक्य के दो शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त और एक मल्लकेतु। मल्लकेतु कश्मीर के राजा का बेटा था। तो एक समय पे जब दोनों बड़े हुए तो समय आया, बोला जाए अब किसको राजा बनाया जाए। तो चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त के गले में माला पहनाई, बिल्कुल उसके गले के नाप की, और मल्लकेतु को बोला कि जाओ। जो चंद्रगुप्त सो रहा था, मल्लकेतु बोला जाओ लड़के गले से माला निकाल के लाओ, लेकिन एक शर्त है, लड़का जागे नहीं और माला टूटे नहीं। मल्लकेतु गया, देखा, उसने बोला गुरुदेव नहीं हो पाएगा, या तो माला टूटेगी या लड़का जागेगा। तो चाणक्य ने बोला चलो कोई बात नहीं, आ गए। 6-7 महीने बीत गए, उसके बाद सेम चाणक्य ने मल्लकेतु के नाप के गले की माला फिर से बनवाई, और इस बार चंद्रगुप्त को भेजा, चंद्रगुप्त जाओ, लेकिन शर्त वही है कि लड़का जागे नहीं और माला टूटे नहीं। चंद्रगुप्त गया, देखा, अब तलवार उठाया, टेप मारा, गले से गर्दन उड़ा दिया और ले आया। चाणक्य ने बोला बस इसके अंदर यही कमी थी, भावुकता एक कमजोरी है जो उत्तेजना पैदा करती है और गलती करवाती है। भावुकता कभी भी, अगर आप ज़िंदगी में भावुक होंगे ना तो आप काम नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ YouTube पे भी, अगर आप भावुक रहेंगे तो यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। ये मतलब प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, और YouTube एक जंग ही है यार। अगर आप इसको भावुक होके करेंगे, भावुक होके यहाँ पे काम करोगे, तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। कभी जैसे हम किसी को घर पे अपनी मम्मी को कितना प्रेम करते हैं, कभी कुछ घर पे ऑड सिचुएशन हो गई, किसी के सामने कभी झगड़ा हो गया, तो हम लोग को लगता मम्मी के सामने कैसे बोलूँ यार, नहीं यार मम्मी के सामने नहीं बोल सकता। तो भावुकता बता रहा हूँ ना, भावुकता बहुत बड़ी। आर्मी वाले जो हैं, क्यों अपने परिवार से दूर रहते हैं, क्यों उन लोगों को परिवार से दूर रखा जाता है? क्योंकि वो लोग भावुक हो जाएंगे, और भावुक कभी भी लड़ाई में अगर आप भावुक हो गए तो लड़ाई आप जीत ही नहीं सकते। भावुकता इतनी ख़तरनाक चीज़ है, उसीलिए आर्मी वाले अपने परिवार वालों से दूर रहते हैं, क्योंकि परिवार के सामने आप रहोगे ना तो लड़ नहीं पाओगे। यहाँ कुछ हो रहा है, मम्मी बोल रही है बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा जाना नहीं, बेटा आगे नहीं जाना, बेटा नहीं प्लीज़ नहीं। अब आप लड़ाई करोगे कि मम्मी को बोल, मम्मी जो बोल रही वो सुनोगे? भावुक हो गए ना आप, तो भावुक हो गए तो जीत नहीं सकते।
ये चीज़ है। तो दोस्त देखो, YouTube पे तो आजकल यही है कि आप भी ना जैसी वीडियो बनाना है बनाओ, रिपीट में बनाना है बनाओ। मैं, मेरा जो एक मेन चैनल जो डूबा ना, रोहित कुमार, तो इसीलिए डूबा क्योंकि मैं उस समय अपने मेन चैनल पे सोचता था बहुत अच्छा काम करूँगा, रिपीट में वीडियो नहीं दूँगा और जो ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आए वैसी वीडियो दूँगा। तो इस चक्कर में ना मेरा वो चैनल डूब गया, मैंने ऑडियंस के लिए कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। तो ये गलती अब मैं इस चैनल पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कभी भी हो जा रही, क्योंकि मैं चाह के भी वैसी वीडियो नहीं बना पाता हूँ यार। कभी कभी लगता है कि किसी को गलत बोल दूँ, अब कई लोग थंबनेल में गाली वाली लिख देते हैं, मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं पड़ती है, ज़मीर गवाही नहीं देता ना यार, क्या करोगे। लेकिन आजकल कई क्रिएटर्स का, अब जैसे टेक चैंपियन सपोर्ट ही थंबनेल पे गाली लिख देता है, उसको गलत नहीं बोलोगे लेकिन क्या बोल सकते यार, मेरे लिए तो गलत है यार, मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता वो चीज़ करने के लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ग्रोथ अपनी करना है ना, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ लिमिटेशंस को सेट करके रखा हुआ हूँ, और उस लिमिटेशंस के कारण मैं बंध जाता हूँ कई बार, तो उसी लिए कई बार मेरी ग्रोथ रुक जाती है। बाकी ये चीज़ आपके ऊपर है, अगर आपके जीवन में ऐसी लिमिटेशंस नहीं हैं तो आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, आप आगे बढ़ोगे। तो समझो बात को, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं किसी को हेट कर रहा हूँ या टेक चैंपियन सपोर्ट को गलत बोल रहा हूँ, नहीं। दिमाग उसका देखो कितना ज़बरदस्त दिमाग लगा रहा है बंदा, 12 घंटे में उस वीडियो पर 45,000 के आसपास व्यूज़ आ गए हैं। आप जिसको उल्टा सीधा बोल रहे हो उससे जाके मिल रहे हो, तो आप समझ रहे हो ना, कैमरे के पीछे वो लोग बात करते हैं लेकिन कैमरे के आगे दिखाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो समझो बात को, अच्छे से काम करो, और कभी भी ना, आपको चाहे मैं ही कोई बात बता रहा हूँ, चाहे कोई भी क्रिएटर कोई बात बता रहा है, तो अपनी भी थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, सोचो समझो और यूट्यूब पे काम करो। कोई भी आजकल ऑनलाइन ना बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं हर फील्ड में, केवल यूट्यूब रिलेटेड बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ में अगर आप देखोगे ना, कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो, चाहे सब्जी बनाना, चाहे कहीं कोई सा कोर्स करना, चाहे कुछ भी चीज़ का है। लेकिन आप कई बार मेरे मम्मी पापा बोलते, अरे ऑनलाइन देख लो ना ये सारी चीज़ें, वीडियो में तो बता रहा है, लेकिन वीडियो में भटकाया भी जा रहा है। लोग पैसे कमाने के लिए ना कुछ भी वीडियो बना रहे हैं यार, कुछ भी, किसी भी फील्ड में। तो आप थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइए, और केवल वीडियो देख के जज मत कीजिएगा कि नहीं वीडियो बनी है तो बात सही है, बात गलत भी रहती है, लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं आज यूट्यूब पे। आई होप कि आप मेरी बातें समझ पाए होंगे, और इस वीडियो को प्लीज़ नेगेटिव में मत लीजिएगा किसी भी तरह से, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बस मैं आपको समझा रहा था कि आप भी ज़्यादा कुछ सोचें नहीं, जो दिमाग में आ रहा है ना वीडियो बना दें। आज एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आज मनोज डे परेशान है ना कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, ज़्यादा खड़े हो जाते हैं घर के नीचे आके, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे गलती किसकी है, गलती मनोज की ही है कुल मिला के। क्यों? क्योंकि मुझको याद है, मैं बहुत 2017 से उसको तो शुरू से ही जानता हूँ मैं, मुझको याद है जब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम थे ना, तो कोई भी आता था मिलने तो उसकी वीडियो बना देता, ये देखिए बहुत दूर से आए हैं हमसे मिलने, वीडियो बना के शूट करके अपलोड कर दिए चैनल पे, जबकि उस वीडियो की कोई भी नीड थी नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई क्यों देखेगा यार आपका चैनल। अगर मान लो हम फॉलो करें तो हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि हम मतलब ग्रो होना चाहते हैं यूट्यूब पे, कैसे काम करें, कैसे वीडियो वायरल होती है, वो उसलिए वीडियो बनाता था, उस टॉपिक पे वीडियो बना। लेकिन कोई भी मिलने आए, बना के वीडियो दिखा दे अपलोड। अब ऐसे करते करते आज की डेट में वो खुद ही परेशान हो रहा है, टेक्निकल योगी के साथ क्यों नहीं ये चीज़ हुआ, बड़े बड़े क्रिएटर, जुन्नू की टैग, वी में क्रिएटर, ये लोग किसी का कभी साथ वीडियो ही नहीं बनाए, जब वीडियो बनाए नहीं तो आज उन लोग को झेलना नहीं पड़ रहा। तो इंसान यहाँ पर गलती खुद करता है, उसके बाद आगे बोलता है कि यार ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे मनोज ने थोड़ा सा लालच दिखाया था, क्योंकि देखो आप अगर किसी की वीडियो में जाओगे तो जाहिर सी बात है आपका भी प्रमोशन होगा, और सबको लगेगा कि हाँ यार ये यूट्यूबर अच्छा है, हमारी वीडियो में आता है। तो आज अगर कोई, मैं किसी की वीडियो में गया तो कल को दूसरा कोई भी आएगा कि हाँ यार रोहित लेता है वीडियो में अपनी, तो चलो रोहित से मिलने चलते हैं, तो ऐसा होता है। तो यही चीज़ मनोज ने किया, अब भाई तुमने हरी झंडी दिखाए, अब लोगों ने आपके पास आना शुरू किया तो आप परेशान हो रहे हो। तो गलती किसी की नहीं देंगे इसमें, गलती इसमें मनोज की है। तो ये बात मैं इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए और आप बातों को लिंक कर पाएँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, श्री सीताराम। कमर थोड़ी सी दर्द देने लगी यार, कमर लचकैले बा।